क्या करेंगे हम? हम लोग इकट्ठे होकर लूज गए हैं, लड़ तो नहीं सकते हैं। अपने दुकाने के आसे पास में मंडरा रहे हैं, 18 से 20 साल दुकान चल रहा है, ये 2 साल से हमें परेशानी झेलना पड़ रहा है। करें तो क्या करें, कहाँ जाएं? हम लोग के समझ नहीं आ रहा, हम लोग के एकदम दिमाग काम नहीं कर रहा। पटना हाई कोर्ट के ठीक सामने यहाँ पर पिछले 20 सालों से दीपावली को लेकर देश के अलग अलग जगहों से यहाँ पर व्यापारी आकर, गरीब व्यापारी आकर अपनी दुकान लगाते हैं और दीपावली की जो खरीदारी होती है वो पटनावासी कर पाते हैं हर साल। लेकिन इस साल अतिक्रमण के नाम पर प्रशासन और सरकार का ये फैसला है कि ये यहाँ पर दुकान नहीं लगा पाएंगे, जिसको लेकर इन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया है। आइए बात करते हैं और जानते हैं इनकी क्या व्यथा है और ये क्या चाहते हैं सरकार से। जहाँ यहाँ पे देख सकते हैं साफ 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 तौर पे लिखा हुआ है, सबके घरों को अपने हाथों से बना दिया, यानी रोशन अब नहीं कर पाएंगे इस साल, ये ऐसा इनको ऐसा लग रहा है। और इन्होंने जो साल भर की तैयारी की थी, यहाँ पर काफ़ी सामान पड़ा हुआ है पीछे, उसका क्या होगा, बहुत सारे सवाल हैं। आइए बात करते हैं, ये धरना किस लिए दिया इन्होंने बताइए। भैया हमें दुकान नहीं लगा, क्या करेंगे हम? हम लोग इकट्ठे होकर लूज गए हैं, लड़ तो नहीं सकते हैं। अपने दुकाने के आसे पास में मंडरा रहे हैं, 18 से 20 साल दुकान चल रहा है, ये 2 साल से हमें परेशानी झेलना पड़ रहा है। करें तो क्या करें, कहाँ जाएं? हम लोग के समझ नहीं आ रहा, हम लोग के एकदम दिमाग काम नहीं कर रहा सर। 4 दिन 5 दिन से हम लोग ऐसे ही परेशान हो रहे हैं, अभी तक कोई सरकार ध्यान नहीं दे रहे हैं। करेंगे तो क्या करेंगे, अभी तक तो हम लोग आ गए हैं। अच्छा, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से इनका दर्द सामने आ रहा है। और ऐसा सुनने में आया, ऐसा भी सुनने में आया कि आधार कार्ड को लेकर शायद इन्हें फंसाया गया है। मैं जानूंगा कि पूरा मामला क्या है, बताइए सर। एक्चुअली यहाँ जितने भी दुकानदार है सबका करीब करीब फोटो स्टेट करके आधार कार्ड ले गया गया, थाना ले गया है और कहा गया है कि भाई आप अपना आधार कार्ड जमा करो तब खोलने देंगे। उसके बाद वो लेने के बाद अब थाना उसका क्या मिसयूज करेंगे हम लोग नहीं जानते। यहाँ के सभी दुकानदार डरे हुए हैं सर। पटना में सर बहुत जगह दुकानें लग रही है जो परमानेंट है, हम लोग सिर्फ 4 दिन के यहाँ सब कर्ज लेके दुकान कर रहा है सर। सब भूखा मर जाएगा सर अगर नहीं बेचेगा। ये ऐसा आइटम है दीप और मूर्ति वगैरह, ये जो बाद में नहीं बिकेगा हम लोग के 1 साल में माल बर्बाद हो जाएगा। हम लोग करें क्या सर, हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देख सकते हैं आप यहाँ पर इनका व्यथा, जो इनकी जो व्यथा है, इनका जो दर्द है वो साफ तौर पर सामने आ रहा है कि इन्हें डेंगू भी हो गया फिर भी ये अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। यहाँ पर पटना वुमेन्स कॉलेज की कुछ छात्राएं हैं, इनसे भी जानेंगे कि इनकी क्या राय है और क्या चाहती हैं ये सरकार। एक्चुअली इन लोग को पेपर दे दिया जाए अगर ऐसा हाई कोर्ट का आदेश है, एंड उसके बाद इन लोग फिर यहाँ से शिफ्ट कर लेंगे। अनलेस अनटिल अगर कोई ऐसा आदेश नहीं है तो इन लोग को शॉप लगाने दिया जाए, इन लोग का इनकम हो रहा है उससे। प्लीज़ एक बार, और हम लोग को भी अच्छा लगता है परचेज करने में, बनता है सारा सामान इतने इकट्ठे एरिया में, फुल फ्लेश्ड मार्केट लगता है, तो ये होना चाहिए, इन लोग को अलाउ करना चाहिए। गलत कर रहे लोग शॉप नहीं लगाने दे रहे हैं तो। बिल्कुल, आखिर 2 दिनों की बात है, साफ तौर पे कहना है कि सिर्फ 2 ही दिनों की बात है, आपकी शॉपिंग में कितना असर पड़ेगा इस बार दीपावली की शॉपिंग यहाँ पे से नहीं कर पाएंगे आप? बहुत ही असर पड़ेगा। और ये लोग यहाँ के एक्चुअली यहाँ से बिलोंग नहीं करते, ये लोग बहुत दूर से आते हैं और यहाँ पे आके जब इन लोगों की मांग है तो पूरी करें, एटलीस्ट इस बार करने दें। और पेपर अगर है तो पेपर दिया जाए, नहीं तो फिर इन लोगों को दुकान लगाने दें। ये लोग 15 साल से जब लगा रहे हैं तो इन लोगों को सपोर्ट करें। और इन लोगों के पास बस 4 दिन है, 4 दिन के लिए आ रहे, ना कि पूरे ज़िंदगी यहाँ रहने के लिए आ रहे हैं। और जहाँ पर इन लोगों को करना चाहिए कि हाँ वहाँ पर नहीं होना चाहिए, वहाँ ये लोग कुछ नहीं करते हैं, बस ये लोग 4 दिन के लिए दिवाली के लिए आए हैं तो वहाँ पे इतना सारा इशू कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। कर्जा लेके हम लोग माल उठाए, हम लोग लोन पे बना के इतना पैसा करा, मतलब फिर मर जाएंगे हम लोग, कहाँ से देंगे गरीब आदमी। हम लोग आसरा लगा के आते हैं साल भर एक बार, मतलब आते हैं इसीलिए कि मतलब चलो उठा लेते, यही पैसा देते तो कुछ मतलब होता है तो बाल बच्चा का मेरा सहारा बनता है। अब छोटा बाल बच्चा मेरा मर जाएगा तो कहाँ जाएगा? हम आप ही लोग से ना मलाई करेंगे, किससे करेंगे सहारा? तो हम आप ही लोग से मांगेंगे और किससे सहारा मांगे? बिल्कुल है, बिल्कुल। यहाँ पर देख सकती हैं और भी महिलाएं हैं जो काफ़ी परेशान हैं, छोटे बच्चे को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रही है और ये कह रही है कि साल भर इन्होंने तैयारियाँ की इसी खास 2-3 दिनों के लिए, और ये 2-3 दिन अगर नहीं मिलेगा तो ये क्या करेंगे? बारे में अभी कुछ नहीं बचा पाएंगे, अभी लोग हल्ला कर रहे हैं। मैं PIR को सूचना दे रहा हूँ और इनकी सुरक्षा में हम हैं और ये मतलब सीनियर को हम बता रहे हैं। सर सर बात ऐसी है कि ये लोग काफ़ी परेशान हैं और इनके पास यही 2-3 दिन होता है, साल भर की तैयारी के बाद ये 2-3 दिन इन्हें मिलता है। अगर इसे अतिक्रमण के नाम पे नहीं करने दिया जाएगा तो इनके सामान का क्या होगा, इनके पेट का क्या होगा सर? इन लोग की अपनी
इनकी अपनी समस्या है। रही बात मुझे जो आदेश होगा ऊपर मेरे सीनियर का जो आदेश होगा मुझे जो बताया जाएगा वो निर्णय लेंगे, हम कुछ नहीं बता पाएंगे। कल धनतेरस है, कल सबसे बड़ा सेल का दिन होता है, अगर आज इन्हें मंजूरी नहीं मिली, अगर आज इनका दुकान नहीं लग पाया तो कल खरीदारी और खरीद बिक्री कैसे होगी, पटना वासियों को भी परेशानी होगी और सबसे बड़ी परेशानी इन्हें होगी जो यहाँ पर बेरोजगारी का मार झेल रहे हैं।